दोस्तों कलौंजी को आपको जो है कुछ इस प्रकार से जो है भून लेना है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपको कलौंजी को अच्छे प्रकार से भून लेना है कि वो थोड़ी थोड़ी काली होने लगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर के आए हैं जिससे कि आप अपने पुराने से पुराने सफ़ेद बालों को, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बाल 2-3 साल पुराने सफ़ेद हैं या आपके हाल ही में सफ़ेद होना शुरू हुए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि समझ सकें किस प्रकार से नुस्खा बनाना है और आपको इसको कैसे अपने बालों में लगाना है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि लोग तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं अपने बालों को काला करने के लिए, लेकिन तब भी उनके बाल जो हैं वो हमेशा के लिए नहीं काले हो पाते। आज हम दोस्तों एक सरल सा, बिल्कुल आसान सा एक उपाय करेंगे जिससे कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने बालों को काला बना पाओगे, वो भी आसान तरीके से, यानी कि घर बैठे। दोस्तों आपको जो है सबसे पहले लेना होगा शिखाकाई पाउडर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि शिखाकाई के अंदर कुछ ऐसे खास और प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आपके बालों की जड़ों में जा कर के समाते हैं और आपके बालों को नुकसान होने से बचाते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये प्राकृतिक द्वारा ही तैयार करा जाता है, यानी कि ये आपके दो मुंह बालों को बचाता है, आपके बालों की लंबाई को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके पुराने सफ़ेद बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आपको लेनी होगी कलौंजी कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इससे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको इसके अंदर जो दूसरी सामग्री यूज़ करनी होगी वो है अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल। दोस्तों कैस्टर ऑयल सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो जाना जाता है कि जिन लोगों के 2-3 साल पुराने सफ़ेद बाल होते हैं उनको किस प्रकार से ये काला बनाता है, ये हम सभी जानते हैं। आपको जो है इसके अंदर मात्र 4 से 5 चम्मच जो है कुछ इस प्रकार से इसके अंदर डाल देनी है, क्योंकि दोस्तों इससे जो है आपको अपने बाल धोने होंगे, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको अपने बाल किस प्रकार से इससे धोने हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है कि आपने जो कलौंजी भूनी थी उसको जो है आपको पीस करके पाउडर बना लेना है, जैसा कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है पाउडर बना लेना है और मात्र इस प्रकार से 1 चम्मच कलौंजी के पाउडर का आपको इसके अंदर मिला देना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों यकीन मानिए ये नुस्खा आपके लिए इतना ज़्यादा कारगर साबित होगा कि आपके जो बाल थे, जितने भी सफ़ेद बाल थे, वो हमेशा हमेशा के लिए काले हो जाएंगे और आपको कभी भी कोई मेहंदी या कोई डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस प्रकार से आपको इसको पहले तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद जो है दोस्तों हम इसके अंदर अपना अगला सामग्री डालेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये धीरे धीरे बन करके तैयार हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद जो है हमें लेना होगा कोलगेट। दोस्तों कोलगेट जो है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके समय से पहले आपके बालों को उड़ने से बचाती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके बालों को कभी भी झड़ने नहीं देता, कभी भी टूटने नहीं देता, तो इसलिए दोस्तों हम जो है इसको चुटकी भर ही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अब जो है आपको इस प्रकार से इन सब सामग्रियों को अच्छे से चला लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको जल्दी जल्दी अच्छे प्रकार से मिला लेना है। अब दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि नुस्खा जो है हमारा बनकर के अच्छे प्रकार से तैयार हो चुका है। अब आते हैं बालों पर लगाने की विधि। आपको जो है इसको हफ्ते में 2 बार लगाना है, हर 3 दिन छोड़ के जो है आपको इसको लगाना है और हफ्ते में 2 बार इसको आपको लगाना है। जब भी आप नहाने जाओगे उससे आपको 25 मिनट पहले इसको अपने बालों पर लगाना है और 25 मिनट बाद जो है आपको अपने बालों को धो देना है, और आप देखोगे कि आपके बाल बिल्कुल नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे, वह आपके बाल जो है साथ ही साथ घने व लंबे भी दिखने लगेंगे। तो ये तमाम तब से आपके लिए आज का नुस्खा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और साथ में औरों की भी नॉलेज बढ़े। और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दी गई घंटी को दबाएं ताकि आने वाले सारे नुस्खे आप लोग सबसे पहले देख पाएं। धन्यवाद।